प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम लोग अपने इस कार्तीय तल के चैप्टर में दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। उनमें एक प्रश्न जो मैंने कल दिया था, सिद्ध करो कि बिंदु 1, 7, 4, 2 -1, व -4, 4 वर्ग के शीर्ष हैं। यह हमारा प्रश्न है। आइए हम इसको हल करते हैं। हल करके देखिए, ध्यान से हल करते हैं हम लोग। आपको कह रहा है कि बिंदु 1, 7, 4, 2 -1, व -4, 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। हम लोग कहेंगे माना वर्ग ए बी सी और डी है। माना एक वर्ग ए बी सी डी है। आइए हम एक चित्र बना लें ए बी और सी डी का। देखते रहे हम लोग ध्यान से, ए बी सी और डी। देखिए ध्यान से, ए के निर्देशांक मान लीजिए कि क्या है, 1, 7 है। बी के निर्देशांक 4, 2 है। सी के निर्देशांक -1, -1 है और डी के निर्देशांक -4 है। ये वर्ग है। हम लोग जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग की भुजा ये, भुजा ये, भुजा ये और भुजा ये लिखेंगे हम लोग। हम जानते हैं कि वर्ग ए बी सी डी में ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ये वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यहाँ देखते रहे हम श्यामपट की ओर। ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे हम लोग, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे और डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर ये चारों दूरियां आपस में बराबर हो जाती हैं, यदि ये चारों दूरियां आपस में बराबर हो जाती हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये चारों शीर्ष जो हैं वो वर्ग के शीर्ष हैं। ऐसी स्थितियों में जब हम लोग यहाँ आते हैं तो देखते हैं, यहाँ ए बी बराबर निकालेंगे। ए बी बराबर, देखो प्यारे बच्चों, यह ए बी का मान निकालने के लिए x1 1 होगा, x2 4 होगा, y1 7 होगा, y2 2 होगा। तो इस प्रकार हम कर्णी में लिखते हैं x1 - x2 1 - 4 का होल वर्ग। यह सूत्रानुसार हम काम करते हैं। सूत्र हमको पहले से दिया जा चुका है, हम लिखे भी हैं, याद भी किए हैं। प्लस y1 माने 7, y2 माने 2 का होल वर्ग। देखिए हम लोग निकाल रहे हैं, ए बी बराबर अंडर रूट -4 में से 1 गया, -3 का होल वर्ग, आप प्लस 7 में से 2 गया, 5 का होल वर्ग। क्या पाया हमने, ए बी बराबर अंडर रूट 3 × 9 पाया और 5 × 25 पाया। देन ए बी बराबर हम लोग क्या पाए भाई, 9 × 5 = 14 और 2 × 1 = 3। कहानी में 34 मात्रक हम लोगों ने पा लिया यहाँ। ठीक इसी प्रकार के अब यहाँ आ जाइए, बी सी बराबर निकालिए। यह बी सी बराबर क्या हुआ, अंडर रूट x1 x2 y1 y2 4 - -1 इसका होल वर्ग, आप प्लस y1 माने 2 -1 का होल वर्ग। देखते रहो आप, बी सी बराबर क्या पाए भैया, 4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 का होल स्क्वायर। देन बी सी बराबर फिर हम क्या पा गए, 4 × 5 का होल वर्ग 25 और 2 × 1 = 3 का होल वर्ग 9। यानी हम बी सी बराबर भी पा गए कर्णी में 34 मात्रक। आप देखो ये दो भुजाओं को हमने प्राप्त कर लिया है, यह मान और यह मान अभी तक बराबर दिख रहा है। इसी प्रकार
इसी प्रकार हम आगे की ओर चलें, सी डी का मान निकालें, सी डी बराबर अंडर रूट, प्यारे बच्चों ध्यान से देखें श्यामपट की ओर, सी डी को हम टच कर रहे हैं, यक्स वन यक्स टू वाई वन वाई टू को लेंगे तो क्या लिखेंगे, ऋण एक माइनस माइनस चार का होल वर्ग प्लस ऋण एक ऋण तीन ना ऋण चार का होल वर्ग। सी डी के लिए आ जाइए, अंडर रूट क्या पाएंगे भाई, ऋण एक धन चार का होल वर्ग यहाँ चिन्ह के हिसाब से आप प्लस यहाँ ऋण पाँच का होल वर्ग। आप सी डी बराबर लिखो, अंडर रूट देखो ध्यान से, यहाँ क्या हुआ तीन का वर्ग हो गया और तीन का वर्ग हो गया और यहाँ यहाँ डायरेक्ट लिख लीजिए, चार में से ऋण एक गया तीन हो गया, तीन का वर्ग हो गया नाइन नौ और यहाँ हो गया पच्चीस। हम देख रहे हैं सी डी की वैल्यू भी कहानी में कितना आ गई, कहानी में चौंतीस मात्रक आ गई। ये चौंतीस मात्रक हम वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है इसलिए हम कहानी में चौंतीस ही दिखा रहे हैं। अभी हमारे एक भुजा का मान मालूम नहीं है, यहाँ हो गया। अब आइए डी ए, चूँकि डी ए भी निकालना है तो डी ए बराबर चित्र की ओर देखो, यक्स वन यक्स टू वाई वन वाई टू ले लो तो क्या होगा, ऋण चार माइनस वन का होल वर्ग प्लस वाई वन चार वाई टू सेवन का होल वर्ग। देन डी ए बराबर क्या हुआ, अंडर लो ऋण पाँच का होल वर्ग पच्चीस हुआ, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, ऋण सात में से चार गया ऋण तीन का होल वर्ग नौ हो जाता है। डी ए बराबर हम लोग पा गए कहानी में चौंतीस, आप ये भी मात्रक हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पाया, हम लोगों ने पाया ए बी का मान कहानी चौंतीस, बी सी का मान कहानी चौंतीस, सी डी का मान कहानी चौंतीस और डी ए का मान कहानी चौंतीस। अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ। इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है और उनके शीर्षों के निर्देशांक वर्ग के शीर्ष हैं। इतना चीज हम लोग लिख लेंगे और ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा, रहने दीजिए, इतना सवाल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ध्यान से आप लगा लीजिए, आप पर श्यामपट पे है, आप देख लीजिए समझ लीजिए, अगर कहीं दिक्कत हो तो पुनः पूछिए। दो मिनट बाद बंद करो। ध्यान से देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा है, सिद्ध करो कि त्रिभुज के शीर्ष ऋण पांच कामा छह तीन कामा जीरो और नौ कामा आठ है तो त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। हम लोग समकोण त्रिभुज की बात पढ़े हैं, हम लोग समकोण त्रिभुज की बात पढ़े हैं। समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं परस्पर लंबवत होती हैं और एक भुजा उसकी आड़ी तिरछी होती है, लेकिन समद्विबाहु का मतलब है कि दो भुजाएं बराबर भी हों और वो समकोण त्रिभुज हों। हम आपको एक नमूना दिखाएं, लगता है यह बनने वाला त्रिभुज इस कदर का होगा, यह ए बी और सी, लेकिन इसमें हम ये नहीं पता हमको चल पाएगा कि हम कौन सी भुजा इसमें कर्ण बनाएगी, कौन सी भुजा लंब बनाएगी और कौन सी भुजा आधार होगा। तो हम लोगों यहाँ हल करते समय यहाँ केवल मान के चलेंगे कि माना सम द्विबाहु
त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है जिनके निर्देशांक क्रमशः ऋण 5.6, 5.6, 3.0 और 9.8 हैं। आ जाइए, हम मान लें ऐसे कि कोई एक ऐसे सिंपली त्रिभुज है ए बी और सी, इसके निर्देशांक हैं ऋण 5.6, 3.0 और 9.8। लगाएंगे कैसे अब देखते रहे हम लोग ध्यान से। इसमें हम तीनों भुजाओं की लंबाइयों को बारी बारी से प्राप्त कर लें। आइए हम ए बी के बीच निकालें, ए बी बराबर यदि निकालेंगे तो ऋण x1 x2 y1 और y2 के मान को प्रदर्शित करेंगे तो ए बी बराबर हमारा कर्णी में हो जाएगा -5 3 का होल वर्ग + y1 = 6 - 0 का होल वर्ग। देखो यहाँ ए बी बराबर हो रहा है -5 और -3 मिलके -8 का होल वर्ग और +6 का वर्ग। देन ए बी की वैल्यू हो जाएगी √64 + 36। देन ए बी बराबर √100, ए बी बराबर 10 मात्रक। प्यारे बच्चों ए बी की वैल्यू कितनी निकल गई, ए बी का मान 10 मात्रक निकल गया। अब आ जाइए बी सी निकाल लीजिए, इसी प्रकार बी सी निकाल लीजिए। जब बी सी निकालोगे तो x1 - x2 3 - 9 का होल वर्ग हो जाएगा कर्णी के अंदर में, आप +y1 0 - 8 का होल वर्ग हो जाएगा। फिर बी सी क्या पाए भैया आप लोग, -6 का वर्ग + -8 का वर्ग। फिर वही हाल हुई, बी सी बराबर कर्णी में 36 + 64। देन बी सी बराबर कर्णी में 100। आप पा गए क्या, बी सी बराबर 10 मात्रक पा गए आप यहाँ, बी सी बराबर देखो 10 मात्रक पा गए आप यहाँ। अब चले आइए आप श्यामपट के इस छोर पर, देखो यहाँ भी 10 मात्रक, यहाँ भी 10 मात्रक। इसका मतलब कि यह भुजा और यह भुजा दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये समद्विबाहु तो अभी अभी पता लगने लगा है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब आ जाइए एक भुजा और बाकी है, उसको भी निकाल लिया जाए। ए सी का मान देखो यहाँ, श्यामपट की ओर लगाने के बाद में लगाते हैं हम लोग। ए सी का मान देखो यहाँ, ए सी बराबर √x1 -x2 9 होल वर्ग आ y1 6 आ y2 8 का होल वर्ग। देन ए सी बराबर √9 6 15 हो गया 9 5 14 √14 का होल वर्ग हो गया और +√2 का होल वर्ग हो गया। ए सी का मान हो गया कर्णी में 14 14 196 हो जाएगा और 2 2 4। ए सी का मान हो गया कर्णी में 200। अब वर्गमूल हो गया इसका 10 2 मात्रक। देखो यहाँ दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, एक भुजा बड़ी हो गई, इन दोनों से बड़ी हो गई। हमको सिद्ध करना है क्या, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। समद्विबाहु कब होगा, जब दो भुजाएं बराबर होंगी। दो भुजाएं बराबर यहाँ हो गई इसलिए समद्विबाहु हो गया। अब समकोण कैसे होगा, यदि समकोण सिद्ध करना है, इधर देखिए समकोण यदि करना है तो अब हम लोग इसको समकोण त्रिभुज में
बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है प्रथम छोटी भुजा का वर्ग होता है आप प्लस द्वितीय छोटी भुजा का वर्ग होता है द्वितीय छोटी भुजा का वर्ग होता है यहाँ ये देखिए बड़ी भुजा कितनी है 10 कर्णी 2 का होल वर्ग है अब पहली छोटी भुजा 10 है और दूसरी छोटी भुजा 10 है तो 10 तो हमें 100 दुना 200 अब बराबर 100 धन 100 बराणी 200 बराबर 200 जब दोनों बराबर हो गया अतः त्रिभुज के शीर्ष अंत में लिख देंगे त्रिभुज के शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं इतना काम करने के बाद तब हम नीचे लिखेंगे इति सिद्धम यही सिद्ध करना था इतना काम जब हम करेंगे तो यह सवाल हमारा जा करके कंप्लीट हो जाएगा लगा लीजिए दो सवाल आप नोट कर लीजिए पहला सवाल होगा आपका होमवर्क में सिद्ध करो कि त्रिभुज के शीर्ष हम यहाँ चेंज कर दे रहे हैं आपको त्रिभुज के शीर्ष 5, -2 5, -2 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं पहला सवाल हो गया समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं और दूसरा सवाल है सिद्ध करो कि 2, -5 3, -4 और 7, -10 समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं अभी आपको जो पहला सवाल बताया गया है पहला सवाल के आधार पर आपका ये दूसरा दोनों ही उसी तरह से लगेंगे लेकिन ये सेम अभी जो लगाया हूँ उस तरह का सवाल है सिद्ध करो कि इतना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं और पहला है सिद्ध करो कि त्रिभुज के शीर्ष अगर ये हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे दोनों सवालों को आप लगा करके वीडियो डालिएगा यदि कहीं समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा धन्यवाद